नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने जो स्वाध्याय सीखा था उसमें वर्ण विच्छेद एक टॉपिक आया था जो हमने संक्षिप्त में सीखा था। इस वीडियो में हम वर्ण विच्छेद को विस्तृत में सीखेंगे। वर्ण विच्छेद यानी वर्ण का विच्छेद करना, वर्णों में से स्वर और व्यंजन को अलग करना। जैसे ये भारत है तो भारत में हमने भ है वो व्यंजन को अलग किया है और आ स्वर को अलग किया है। व्यंजन होता है वो अधूरा होता है, व्यंजन है वो स्वर के साथ पूरा वर्ण बनता है। हर एक व्यंजन में एक स्वर होता है। वर्ण विच्छेद में हमें उसी स्वर को अलग करके लिखना होता है। जैसे भारत है तो भारत में भ है वो आधा व्यंजन है। आधा व्यंजन हमें लिखने के लिए नीचे एक छोटी लाइन करते हैं जिससे पता चले कि भ है वो व्यंजन है, वो आधा है। उसके साथ आ जुड़ेगा तो भा बनेगा। फिर र र आधा है, उसके साथ अ जुड़ेगा तो पूरा र वर्ण बनेगा। फिर त है वो आधा व्यंजन है, उसके साथ अ जुड़ेगा तो पूरा त व्यंजन बनेगा। इसीलिए हम भारत का वर्ण विच्छेद करें तो बनेगा भ प्लस आ प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस अ। मैंने कुछ बच्चों के जो वीडियो देखे थे उसमें से कुछ बच्चों ने आधा व्यंजन नहीं लिखा था पर पूरा वर्ण लिखा था, इसलिए मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया है ये समझाने के लिए कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। फिर दूसरा है हिमालय। हिमालय में ह है वो आधा वर्ण है और उसमें प्लस ई की मात्रा जुड़ने पर ही बनेगा। फिर म प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ। रक्षक है तो रक्षक में से र प्लस अ प्लस क प्लस श। यहाँ क प्लस अ नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि क है वो आधा व्यंजन है और क के साथ श जुड़ेगा तभी क्ष बनेगा। इसलिए क प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस अ। फिर है उज्ज्वल। तो उज्ज्वल में मित्रों उ है वो स्वर ही है, इसलिए वो आधा नहीं आएगा, वो पूरा उ ही आएगा। तो इसमें उ प्लस झ प्लस झ प्लस व प्लस अ प्लस ल प्लस अ। फिर है प्राण। प्राण में से प्लस प प्लस अ र प्लस अ प्लस ण प्लस अ होता है। प्राण है वो प प व्यंजन है, वो प्राण में आधा है, इसलिए प प्लस अ नहीं होगा बल्कि प प्लस र प्लस आ होगा। तो मित्रों ये है वर्ण विच्छेद की समझूती। तो आगे से वर्ण विच्छेद लिखने में इन बातों का ध्यान रखना।